Hello everyone, welcome to my channel Stay Scholar. My name is Chitra Varun and here we are discussing NCERT class 6 science, and today's our topic of discussion would be separation of substances. So let's start with the topic, separation of substances. So हम यहाँ पर आज जो पढ़ने वाले हैं वो है separation of substances from the mixture of materials, right? तो basically हम अपनी daily life में देखते हैं there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material, right? हम अपनी daily life में ये चीज़ देखते हैं. अभी हम examples जब देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम लोग daily life में अपने ये इस process को देखते हैं how we can separate the substances from the mixture, right? तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर जो दिया हुआ है फिगर में आप देख सकते हैं कि टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी. जब हम चाय को छानते हैं, यहाँ देखिए दिस इज द स्ट्रेनर, चाय छानने की चलनी है ये, और यहाँ हम किस तरीके से अपना चाय को छानते हैं और किस तरीके से चाय को टी लीव से अलग करते हैं, राइट? तो ये एक प्रोसेस है सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर, ठीक है. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक. स्टॉक क्या होता है, जहाँ पे जैसे आपने गेहूं का अगर कोई फील्ड देखा हो तो उसमें लंबी लंबी स्टॉक्स होते हैं, वो डंठल जिनको कहते हैं या डंडियां जिसे बोलते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है. तो उस स्टॉक में से अगर हमें ग्रेन को सेपरेट करना है तो किस तरीके से करेंगे, देखिए मिल्क और ये क्या है ग्रेन मीन्स किस तरीके से करेंगे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी क्या है ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन. एंड मिल्क और कर्ड से हम उसको चर्न करके क्या बनाते हैं, हम बटर सेपरेट करते हैं, राइट? तो बटर अलग हो जाता है, वहाँ पर हमारा क्रीम क्रीम अलग हो जाती है और उसके बाद पानी अलग छाछ जैसा वो रह जाता है. अगर कर्ड है तो छाछ जैसा रह जाएगा और मिल्क है तो थोड़ा सा लिक्विड उसमें से रह जाता है, ठीक है. एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेटेड सीड्स फ्रॉम द फाइबर. जो कॉटन के जो बड़े बड़े फ्लावर्स फूल लगे होते हैं वाइट, उसके अंदर क्या होता है सीड होता है, लेकिन एक गिनिंग का प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि कॉटन सीड जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं पतले पतले फाइबर्स होते हैं वो सीड से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है. तो हमारे पास क्या बच जाता है, कॉटन बन जाता है, राइट? तो ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फाइबर्स को ऑब्टेन करते हैं. परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट. You may have carefully taken them out before eating. ये बहुत अच्छा example इन्होंने दिया है, क्योंकि हमने बचपन में ऐसा सबने किया होगा कि हम जब खिचड़ी खाते हैं या पोहा दलिया कुछ भी खाते हैं और अगर हमारी मदर ने उसमें मिर्ची डाली होती है, ठीक है, तो ग्रीन चिली कट करके डालते हैं, ठीक है, और जैसे ही वो ग्रीन चिली आती है हम उसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है. तो ये भी एक प्रोसेस हुआ सेपरेशन का. सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवा, आस्क टू सेपरेट दैम, वॉट वुड यू डू, पिक आउट ऑन वन काइंड एंड प्लेस दैम इन अ सेपरेट कंटेनर. तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास बास्केट में मैंगोज और गुआवा रखे हैं तो हम अगर हमें सेपरेट करने का काम दिया जाए तो हम क्या करेंगे कि उसमें से गुआवा निकाल देंगे, ठीक है, और उन्हें दूसरे कंटेनर में डाल देंगे. तो इस तरीके से हम सेपरेशन का काम करते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस है. बट वॉट इफ द मटेरियल वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर, अगर बहुत ही ज्यादा छोटा मटेरियल होगा तो हम उसको किस तरीके से सेपरेट करेंगे, राइट? ये देखो बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड, इस तरीके से ये चर्निंग का प्रोसेस है जिसमें हमें बटर मिलता है. बहुत छोटे पार्टिकल्स को किस तरीके से हम सेपरेट करेंगे, ठीक है. इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सचर, अगर ग्लास में आपके पास सॉल्ट मिक्सचर है, सैंड है और उसके साथ सॉल्ट का मिक्सचर है, तो इम्पॉसिबल है ना, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते सॉल्ट को सैंड से. इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन और ऑफ सैंड बाय हैंड, ये बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, ठीक है. नाउ टेबल 5.1 आर गिवन इन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज्ड इन मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 इज जंबल्ड अप, कैन यू मैच. देखो अब यहाँ पर जो प्रोसेस दिया हुआ है ये क्या कह रहा है, Why do we separate substances, right? तो यहाँ पर कॉलम में दिया हुआ है सेपरेशन प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सेपरेट स्टोन फ्रॉम द राइस, अगर हम राइस लेते हैं और राइस को हम बनाने से पहले हम उसमें देखते हैं कि कोई स्टोन तो नहीं है, अगर वहाँ पे स्टोन होता है तो हैंड पिकिंग मैथड, यानी हम डायरेक्टली हाथ से उठा के उसको फेंक देते हैं, ठीक है. और इसका पर्पस क्या है, फॉर विच वी डू द सेपरेशन, द सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट. तो देखिए यहाँ पर ये यूज
यूजफुल कंपोनेंट तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या है, नॉन यूजफुल कंपोनेंट, ये इसके साथ मैच करेगा, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, पर्पस क्या हो गया, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, तो बी वाला इसके साथ मैच करता है, और वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, अब उसमें वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉलिड कंपोनेंट को यहाँ से हटा देंगे, तो ये फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, व्हाई डू वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट, व्हाट डू वी डू, राइट, तो हम क्या करते हैं, हम उसको फेंक देते हैं सिंपली, राइट, तो स्टोन हमारे हाथ से हमने निकाला, हमने राइस में से निकाला, और हमने नॉन यूजफुल यानी बी वाला पार्ट इसके साथ मैच कर रहा है, हमने नॉन यूजफुल कंपोनेंट को फेंक दिया है, एंड वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, हम जो हमारा जो नॉन यूजफुल पार्ट है उसको हम फेंक देंगे, राइट, नाउ चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, जब बटर हम मिल्क को मथते हैं या कर्ड को मथते हैं, जिसको हम कहते हैं हिलाना, एक रई के, जब आपने ये प्रोसेस देखा होगा घर में भी, हम रई से ये करते हैं, ठीक है, आजकल तो मशीन आ गई है चर्निंग के लिए, तो हम उससे क्या करते हैं, बटर निकाल लेते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस से हम क्या करेंगे, बटर निकाल लेते हैं, ठीक है, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, अब देखिए जो बटर मिलता है वो क्या है, यूजफुल कंपोनेंट है, तो ए के साथ मैच करेगा ये सेकंड वाला, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, क्योंकि यहाँ बटर भी मिल रहा है, और जो नीचे जो बचता है वो भी छाछ के रूप में, अगर हम कर्ड यूज कर रहे हैं तो वो भी हमें छाछ मिल जाती है, राइट, बटर मिल्क मिल जाता है, नाउ वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, तो वी यूज बोथ द कंपोनेंट, तो ये जो चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर है, What do we do with separated component? तो यहाँ पर third वाला part match करेगा. We use both the component, right? हम इसके दोनों part को use करते हैं. Separate tea leaves. अब हम जो tea leaves होती है, उनको separate करते हैं. To remove impurities or harmful component. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? चाय बनने के बाद हम क्या करते हैं? उसको छानते हैं, separate करते हैं. तो उसके बाद जो harmful, जो पत्तियाँ होती है, वो क्या हो गई अब? उसका कोई यूजफुल, अब उसका यूज तो है नहीं, ठीक है, तो उसको हम इम्प्योरिटीज को हटा देते हैं वहां से, राइट, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, तो सेकंड वाला यानी कि सेपरेट टी लीव्स के साथ सी वाला मैच करेगा, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट, एंड वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, राइट, सेकंड वाला, तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस इसमें देख सकते हैं, आप इसको एक बार फिर से आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या किया है इस कॉलम में, आपको किस तरीके से मैच करना है. वी सी that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it, right? तो अब हमने देखा है कि हम क्या करते हैं, जो substances हैं उनको निकालते हैं, ठीक है, harmful और उसमें से substance में से क्या निकालते हैं, हम harmful substance को separate करते हैं, right? जो कि मिक्स हुए होते हैं, जैसे कि अगर मैं अगर चावल का एग्जाम्पल लेती हूँ और उसके अंदर स्टोन है, तो हार्मफुल क्या हो गया, स्टोन हो गए, तो हम उसको निकाल देते हैं, नॉन यूजफुल है वो, राइट. और क्या होता है कई बार, समटाइम वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ वी नीड टू यूज दैम सेपरेटली, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कर्ड की बात कर रही हूँ, तो बटर मिल्क अगर मुझे बनाना है, तो मैं उसमें से चर्न करके बटर अलग कर लूंगी अपना, और उसके बाद नीचे जो लेफ्ट ओवर रहता है वो क्या मिल गया, आपको छाछ मिल जाती है, यानी कि बटर मिल्क. द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल. जो सब्सटेंस सेपरेट किए जाते हैं वो क्या है, डिफरेंट साइज और मटेरियल के हो सकते हैं, दे मे बी इन एनी थ्री स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है. सो हाउ डू वी सेपरेट थिंग्स मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अब मेथड ऑफ सेपरेशन में पढ़ेंगे हम, हैंड पिकिंग सबसे पहला है, ठीक है, हैंड पिकिंग में क्या बताया हुआ है कि ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम ए शॉप टू क्लासरूम. एक आप फूड ग्रेन का पैकेट लाइए, ठीक है, और क्लास में ले जाइए. नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. अब सारे जो ग्रेन आपका जो पैकेट में था उसको आप किस पे स्प्रेड कर देंगे, इस शीट ऑफ पेपर पे, ठीक है. डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर, आर देयर पीस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन, पार्टिकल ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट, नाउ रिमूव विद योर हैंड पीस ऑफ स्टेन, हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट. अब उसमें आपको क्या दिख सकता है कि उस मिक्सचर के अंदर जो ग्रेन आप लेकर आए हो उसमें हो सकता है कि हस्क हो, जो टूड़ा होता है ना, थोड़ा सा घास जैसा थोड़ा दिखता है, ठीक है, उस ग्रेन के ऊपर ही होता है वो भी, ठीक है, तो वो हस्क हो सकता है, स्टोन हो सकता है उसके अंदर, या टूटे हुए ग्रेन्स हो सकते हैं, राइट, कोई दूसरा वैरायटी का ग्रेन भी हो सकता है उसमें, हो मिक्स्ड हो, उसमें मिक्सिंग हो गई हो उसमें गलती से, ठीक है, तो उन सबको आप किससे, हैंड पिकिंग से हटा सकते हो, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में होता है, इजीली आप हैंड पिक कर सकते हो, आप एक एक करके उठाइए और उसे बाहर फेंक दीजिए, ठीक है. द मैथड ऑफ हैंड पिकिंग
कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीस ऑफ डर्ट स्टोन हर्स फ्रॉम वीट राइस और पल्सेस. अब हैंड पिकिंग जो मेथड है सेपरेशन वाला, वो क्या है कि आप उसको थोड़े से बड़े पार्टिकल को ही आप हटा सकते हैं, राइट, सॉलिड फॉर्म में जो पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनको ही आप हटा सकते हैं. जैसे कि आपने वहाँ पे स्टोन देखा या हस्क देखा, ठीक है, पल्सेस के अंदर आपने पत्थर देख लिया, कुछ हस्क देख लिया, तो आप वो इजीली हटा सकते हैं, ठीक है. तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हैंड पिकिंग. तो इसमें बेसिकली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज को आप सेपरेट करते हो बाय थ्रू दी हैंड पिकिंग मेथड. द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज. इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस. तो इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होती है और उसको आसानी से आप सेपरेट कर सकते हैं हैंड पिकिंग से, राइट. जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, अ मैन इज सिटिंग एंड सेपरेटिंग द डर्टी थिंग्स मीन्स स्टोन्स हस्क और एनी अदर मिक्सड ग्रेन. नाउ कम टू द थ्रेशिंग. नाउ थ्रेशिंग, यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ वीट और पैडी स्टॉक लाइंग इन ए फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप. तो थ्रेशिंग में क्या होता है बेसिकली, जैसे आपने कभी क्रॉप देखी हो फील्ड के अंदर किस तरीके से पड़ी होती है, जब फसल कट जाती है तो उसको फील्ड के अंदर बहुत दिन तक रखते हैं सुखाने के लिए. स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम. तो क्या होता है बेसिकली, जो ग्रेन होता है उससे जो उसका स्टॉक होता है येल्लो कलर का, उसके ऊपर जो स्टॉक होता है वो क्या होता है सेपरेट हो जाने, उस प्रोसेस को, ग्रेन को उस स्टॉक से अलग हटाने के प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग, राइट. इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन द हंड्रेड ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड. बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, बहुत सारे उसके ऊपर स्टॉक लगा हुआ था, तो हम हाथ से तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है. वन मे प्लक मैंगोज और गुआवा फ्रॉम द ट्री बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवा. तो हम बिल्कुल इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम उस ग्रेन को हाथ से रिमूव करें, प्लकिंग देम फॉर देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल, राइट. How does one separate grain seeds from their stalk? तो ये बोला गया है कि जो जो स्टॉक होता है, जो भूसा होता है, हम अगर नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो जो भूसा लगा होता है उस भूसे को किस तरीके से स्टॉक को, किस येल्लो पार्ट को, जो ड्राइड उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको किस तरीके से अलग करते हैं. तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम ग्रेन को स्टॉक से अलग करते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एटसेट्रा इज थ्रेशिंग, राइट. इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग. इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड. अब देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस दिखा हुआ है कि ये किस तरीके से ग्रेन को बीट कर रहा है जिससे कि उसका जो स्टॉक होता है वो वहां से हट जाता है और आपका ग्रेन सेपरेट हो जाता है, राइट. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग. थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स. ये बुलक्स जो उनकी उनसे भी किया जाता है, जानवरों से भी किया जाता है. और समटाइम मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन. जब बहुत सारी बहुत ज़्यादा ग्रेन होता है तो मशीनों से किया जाता है, उस मशीन को हम कहते हैं थ्रेशर, राइट. अब आता है विनोइंग. अब विनोइंग के प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली, ये एक विंड के द्वारा किया जाता है. जैसे कि यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक लेडी ने कुछ, यहाँ पर ये हस्क है और उसके साथ ग्रेन्स हैं, तो उस तरीके को किस तरीके से सेपरेट कर रही है, बिकॉज हस्क इज वेरी लाइट, है ना. तो अगर यहाँ पर फैन चला दिया जाए, हवा तेज हो, तो ये क्या करेगी, इसको धीरे धीरे स्लो स्पीड्स में इसको नीचे गिराएगी और यहाँ पर हस्क क्या होगा, सेपरेट उड़ के हवा की सहायता से दूर चला जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएंगे, आपके ग्रेन्स बच जाएंगे, नीचे यहाँ पर ग्रेन आ जाएगा, राइट. तो मेक ए मिक्सचर ऑफ ए ड्राई सैंड विद सॉडस्ट पाउडर ड्राई लीव्स. ये एक्टिविटी है, मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट पाउडर ड्राई लीफ, कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर, लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट बी मेड आउट इजिली, आर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द टू कंपोनेंट आर सिमिलर, वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग. देखिए हैंड पिकिंग से तो ये प्रोसेस नहीं होगा. देखिए यहाँ पर लीव्स भी है और सैंड भी है, ठीक है. तो अगर आप उसको ऊपर करके जिस तरीके से ये लेडी, देखो इस पिक्चर में यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ स्पीड, डायरेक्शन ऑफ एयर दी हुई है और यहाँ पर ये किस तरीके से गिरा रही है और यहाँ ग्रेन सेपरेट हो रहा है और हस्क अलग हो जा रहा है, ठीक है. तो इसी प्रोसेस में हम अगर ये प्रोसेस करेंगे तो सैंड और लीव्स अलग हो जाएगी. सैंड एंड सैंड सैंड डस्ट और पाउडर लीव फॉल एट द सेम प्लेस. नहीं, देखो पाउडर जो लीव होती है वो हल्की होती है, इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लो अवे. तो यहाँ पर कुछ ऐसा कंपोनेंट होगा जो हल्का होगा और लाइट की हेल्प से, सॉरी विंड की हेल्प से ये क्या होगा, दूर चला जाएगा, राइट,
दूर चला जाएगा, और हैवी वन क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा. दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग. राइट, विनोविंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ईजी है ये हैवी और लाइटर कंपाउंड्स को एक कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए प्रोसेस यूज होता है विनोविंग. दिस मैथड इज कॉमनली यूज बाई फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन. ठीक है, यहाँ पर यही दिखाया हुआ है किस तरीके से ग्रेन हस्क से अलग किए जाते हैं. द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड एंड द सीड ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोविंग एंड द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मेनी पर्पज सच एज फॉडर फॉर कैटल. यानी कि जो हस्क होता है वो क्या यूज किया जाता है उसका, चारा बनाने के लिए. जो जानवरों का चारा होता है वो हस्क होता है. राइट, नाउ कम टू द सीविंग प्रोसेस. सीविंग का मतलब होता है छानना. समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद अ फ्लावर एंड वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन इट. ठीक है, तो अगर क्या करते हैं, हम सिंपली हम एक बड़ी सीव लेते हैं और उसके ऊपर वो फ्लावर को डाल देते हैं उसमें. राइट, तो फ्लावर जब डलता है तो उसको हम छानते हैं. ठीक है, तो छानने के बाद जो उसमें कंकड़ पत्थर ऊपर जो भी होगा ब्रान होगा वो सारी इम्प्योरिटीज अलग हो जाएंगी और नीचे हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें फ्लावर मिल जाएगा, आटा मिल जाएगा. राइट, सीविंग अलाउ द फाइन फ्लावर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स ऑफ सीव व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव. और बिगर इम्प्योरिटीज कहाँ रह जाएंगी, हमारी सीव के अंदर रह जाएंगी. राइट, लेकिन हमारा जो आटा जो फ्लावर होगा वो नीचे आ जाएगा. इन ए फ्लावर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वीट बिफोर ग्राइंडिंग इट. ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया हुआ है किस तरीके से सीविंग के प्रोसेस से भी हम अनवांटेड सब्सटेंस को मिक्सचर से अलग कर सकते हैं. यूजुअली ए बैकफिल ऑफ वीट इज पोर्ड ऑन ए स्लांटिंग सीव एंड द सीविंग रिमूव पीस ऑफ स्टोन स्टॉक एंड हस्क दैट मे बी स्टिल रिमेन विद वीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग. अगर थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद भी अगर वहाँ पर स्टॉक या हस्क रह जाता है तो वो इस प्रोसेस से रिमूव किया जाता है. राइट, ये देखिए यहाँ पर सीविंग है. हम इसी तरीके से आपने घर में देखा होगा कई बार मम्मी आटा छानती है या फिर सूजी कई बार हम इस तरीके से छानते हैं, तो ये सीविंग का प्रोसेस है. अनवांटेड मटेरियल्स को हम रिमूव कर देते हैं. यू मे हैव आल्सो नोटिस्ड सिमिलर सीविंग बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट पे भी ये हमने देखी है बहुत बार. देखिए ये है, यहाँ पर जो सैंड है, अगर हम सैंड का यूज कर रहे हैं तो उसमें पेबल और बड़े स्टोन्स जो होते हैं वो किस तरीके से रिमूव किए जाते हैं. यहाँ ऊपर क्या रह जाएंगे, आपके स्टोन्स रह जाएंगे, पेबल्स रह जाएंगे, और नीचे आपका क्या, सैंड का मिक्सचर, बिल्कुल प्रॉपर सैंड आ जाएगी आपके पास विदाउट एनी इम्प्योरिटीज टू सेपरेट पेबल एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड. राइट, अब यहाँ पे ब्रिंग ए सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर फ्रॉम होम टू द क्लास. सीव द फ्लावर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटी. नाउ ए मेक ए फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीस एंड मिक्स इट विद द फ्लावर. कैन वी सेपरेट द फ्लावर एंड पाउडर चॉक बाय सीविंग. तो ये आपको एक्टिविटी करके देखनी है एक बार कि किस तरीके से आटा जो होता है बहुत ही फाइन होता है. राइट, और चॉक का जो पाउडर बनेगा वो इतना फाइन नहीं होता, तो मे बी इट कैन सेपरेट. राइट, तो डिफरेंट साइज के अगर हमने उसका पाउडर, चॉक का पाउडर बहुत फाइन नहीं बनाया तो वो सेपरेट इजिली हो जाएगा सीव से. राइट, नाउ अनदर मेथड्स आर सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. समटाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोविंग और हैंड पिकिंग. ऐसा पॉसिबल है कि कई बार हम हैंड पिकिंग और विनोविंग मेथड से हम सेपरेट नहीं कर पाते कई बार थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस और इन पल्सेस. हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम द राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग. देखिए हम खाना बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम हैंड पिकिंग मेथड से बड़े बड़े स्टोन्स निकाल देते हैं अगर बाई चांस उसमें प्रेजेंट हैं. अगर उसमें डस्ट है, बहुत लाइट डस्ट है, या सॉइल पार्टिकल है जो चिपके रहते हैं राइस से, ठीक है, तो उनको हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे, वो तो राइस में होगी. तो हम क्या करेंगे, यूजुअली हम क्या करते हैं कि कुकिंग से पहले उनको वॉश कर लेते हैं राइस और पल्सेस को, ठीक है. तो वॉश करने में आपने देखा होगा कि जब आप दाल वॉश करते हो तो वहाँ पर थोड़ा गंदा गंदा सा पानी आपको दिखाई देता है, आप उस पानी को रिमूव कर देते हो वहाँ से, ठीक है, और दाल नीचे रह जाती है. व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल गेट सेपरेटेड, दीज इम्प्योरिटीज गो इन टू द वाटर, ठीक है. चावल का भी सेम यही प्रोसेस होता है, हम सबसे पहले वॉश करते हैं और जो ओपेक सा वाटर हमें दिखाई देता है, गंदा सा पानी हमें दिखाई देता है, हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, हम उसको फेंक देते हैं और हमारे पास क्या रह जाता है, बॉटम में सिर्फ राइस रह जाता है. राइट,
तो हैव यू सीन दैट वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर? यस ऑफ कोर्स, हमने देखा है, हम जब खाना बनाते हैं तो हम ये हमने देखा हुआ है, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड इट द प्रोसेस इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। जब हैवियर कंपोनेंट सेटल हो जाते हैं मिक्सचर के, पानी और पानी निकल जाता है, ठीक है। अगर देखो, अगर आपके पास पानी में आपने कोई कंपोनेंट डाला और वो क्या हो गया, नीचे सेटल हो गया, तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे सेडिमेंटेशन, वो सेडिमेंट हो गया। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, ये राइट। तो जब हम जब भी कोई दाल धोते हैं तो जो भी उसमें छोटी छोटी डस्ट होती है या उसमें मिट्टी अगर लगी होती है, तो वो किस तरीके से रिमूव होती है, हम पानी डालते हैं, हम उसको अच्छे से साफ करते हैं, अपने हाथों से उसको घुमाते हैं और उसके बाद उस पानी को निकाल देते हैं, राइट। तो डस्ट पार्टिकल जो हुआ, वो सॉइल पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल जो भी होंगे, वो क्या, पानी के साथ निकल जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकंडीशन, राइट। लेकिन जो हमने अनादर मिक्सचर जो हमारा हुआ, क्या हमने राइस पानी में डाला और उसमें सैंड भी है, तो सैंड तो डिकेंटेशन के प्रोसेस से बाहर निकल गई, लेकिन जो राइस हो गया वो क्या है, पानी के अंदर बैठ गया, उसको हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। या अगर और चीज़ की बात करते हैं, अगर हमें सॉइल में बहुत सारे बड़े बड़े स्टोन्स पड़े हुए हैं और हमें उसे स्टोन्स को सेपरेट करना है किससे, सॉइल से, राइट। तो हम अगर पानी में डालते हैं तो हमारी सॉइल तो ऊपर तैरने लगती है, मीन्स वो तो घुल जाती है थोड़ी बहुत देर के लिए, ठीक है, और जो स्टोन्स होते हैं वो नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं। तो हम ऊपर वाले पानी को निकाल लें तो सैंड हमारी सेपरेट हो गई, लेकिन नीचे क्या बच गया, आपके स्टोन्स बच गए। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, राइट। नीचे बैठ जाते हैं उसमें सॉलिड पार्टिकल, हैवियर वन गॉट सेटल्ड इन टू द बॉटम, ठीक है, बॉटम में वो इजिली बैठ जाते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर द सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, अब दो लिक्विड की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, ऐसे टू लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है, मिक्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल की बात करेंगे, अगर हम ऑयल को वाटर में डालेंगे, ठीक है, और तो ऊपर क्या लेयर बन जाएगी, लाइट होता है ना ऑयल, तो ऊपर ऑयल की लेयर बन जाएगी और नीचे पानी की लेयर होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। इफ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर, राइट। उनकी क्या है, लेयर बन जाएगी। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। अब ऊपर वाली जो लेयर बनी ऑयल की, हमने उसे क्या किया, डिकेंटेशन के प्रोसेस से अलग कर लिया। लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, वॉट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। अब बात कर रहे हैं मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड क्या है, टी लीव्स हो गई, और लिक्विड क्या हो गई, आपकी चाय हो गई, यानी कि टी हो गई, ठीक है, जिसको आप पीते हो, तो वो लिक्विड हो गई। तो उसको कैसे आपने रिमूव किया, स्ट्रेनर से, ठीक है। वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स, राइट। तो उस ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटिल, बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। अगर आप डिकेंटेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हो इसमें, तो आप बिकॉज ऑफ द टी जो होती है वो, सॉरी, लीव्स जो होती है वो सेटल हो जाती है नीचे थोड़ी देर के बाद। लेकिन अगर आप उसको डिकेंटेशन करोगे तो आपकी चाय तो ऊपर ऊपर आ जाएगी, ठीक है, लिक्विड चाय निकल जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत पत्तियां जरूर आएगी उसमें, ठीक है। तो ये प्रोसेस उसके लिए, डिकेंटेशन इसके लिए मतलब कारगर नहीं होगा, ये कह सकते हो। तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्टेनर, ठीक है। सेपरेटिंग टू कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। देखिए, यह है सॉइल प्लस वाटर, ठीक है। तो ये देखिए, सॉइल सॉइल ये है एंड वाटर, इसको हमने सेपरेट किया सेडिमेंटेशन से, और ये क्या हो गया, अनडिजॉल्व मटेरियल। यहाँ पर ये आपका ऑयल की लेयर है ऊपर और नीचे वाटर की लेयर है, ठीक है, दोनों ये मिक्स नहीं होती, दोनों चीजें लिक्विड लिक्विड को सेपरेट कर रहे हैं हम, या सॉलिड लिक्विड को सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए इस ग्लास को रख दीजिए, ऑयल और वाटर को दोनों को मिक्स करके, फिर उसके बाद क्या होगा, ऊपर ऊपर ऑयल की लेयर आ जाएगी, उस लेयर को आप डिकंडीशन प्रोसेस से दूसरे ग्लास में सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, इतना ही बताया हुआ है यहाँ पर। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर। अब ये कह रहे हैं कि जो टी लीव्स होती है वो सारी स्ट्रेनर में रहती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फिल्टरेशन। तो अच्छा, जो हमने अब छानी है चाय, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्टरेशन। क्यों कहते हैं फिल्ट्रेशन, क्योंकि फिल्टर कर रहे हैं हम उससे, ठीक है, उसे हम फिल्टर कर रहे हैं किससे, स्ट्रेनर से, राइट,
स्ट्रेनर से, विच मैथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन इज बेटर देन डिकेंटेशन, क्योंकि डिकेंटेशन अगर हम अप्लाई करते हैं इस जगह पे तो डिकेंटेशन में क्या होगा, लीव्स भी आ जाएंगी आपकी चाय के साथ, थोड़ी कम आएंगी बट आएंगी जरूर, लेकिन फिल्ट्रेशन में आप कंप्लीटली आप अपनी चाय की पत्तियों को चाय से अलग कर सकते हो. लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज. डू ऑल ऑफ अस एट टाइम्स गेट सेफ ड्रिंक वाटर टू ड्रिंक? समटाइम वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स मे बी मडी, द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड और वुडवर मे ऑल्सो बी मडी स्पेशली आफ्टर रेन्स. लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मैथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्वेबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर. तो ये एक एक्टिविटी है. Collect some muddy water from a pond or river. If not available, mix some soil to water in a glass. Let it stand for half an hour. Observe the water carefully and note your observation. Does some soil settle at the bottom of water? Why? What will you call this process? ठीक है, तो अब ये sedimentation का process है. Soil जो होती है basically थोड़ी सी soil जो क्या है heavy होने की वजह से पानी के glass में नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर तैरता रहता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, sedimentation का process हो गया. Now slightly tilt the glass without disturbing the water. Let the water from the top flow into another glass. अब without disturbing हमें transfer करना है water का एक glass से दूसरे glass में. ठीक है, is the water in the second glass still muddy or brown in color? Now filter it. And did the tea strainer work? Let us try filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the woven thread, and these pores in a cloth can be used as a filter. ठीक है, तो cloth अगर हम छलनी को यूज़ करते हैं तो छलनी से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्लोथ जो होगा वो ज़्यादा हमें प्योर वाटर देगा एज कम्पेयर टू छलनी यानी स्ट्रेनर. इफ द वाटर इज स्टिल मडी इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर. इसीलिए हमारे घरों में आजकल फिल्टर होते हैं पीने के पानी के लिए, क्योंकि वो जो मडी या इम्प्योर वाटर होता है उसको फिल्टर करके प्योर वाटर देता है. राइट, बहुत ही छोटे पोर्स होते हैं उसमें. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. अब filter paper पे जो filter के जो pore होते हैं filter paper के बहुत ही tiny होते हैं और उसके through हम ये filtration का काम कर सकते हैं. अब filter paper folded in the form of a cone and fixed on a funnel. ठीक है, इस तरीके से इन्होंने fix कर दिया funnel में. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. ये एक filtration का process है. किस तरीके से देखो, यहाँ पर ये फिल्टर पेपर है, इसको इन्होंने फोल्ड किया और एक कोन शेप बनाया और यहाँ पर इसको रख दिया. ठीक है, उसके बाद हम फिल्टर कर रहे हैं वाटर को. राइट, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड थ्रू ड्रिंकिंग बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड और सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प. बेसिकली जो फ्रूट जूस हम बनाते हैं, वेजिटेबल जूस बनाते हैं, उसमें भी हम फिल्टर करते हैं उसको और उसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद हमें प्योर मतलब जूस मिल जाता है जो कि पल्प नहीं होता उसमें और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं होते. राइट, नाउ यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर. अब पनीर के लिए हम क्या करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जो है जूस को ऐड करते हैं मिल्क में, बॉइल्ड मिल्क में, और उसके बाद वहाँ पर गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड. हमें सॉलिड पनीर मिल जाता है एंड लिक्विड मिल जाता है. अब सॉलिड पनीर को हम किस तरीके से सेपरेट करते हैं, द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लोथ और ए स्ट्रेनर. या तो चलनी या फिर बहुत ही पतले कपड़े से हम उसको सॉलिड पनीर को अलग कर लेते हैं. राइट, और नीचे लिक्विड रह जाता है. नाउ नेक्स्ट इज इवेपोरेशन. एड टू स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनादर बीकर एंड स्टिर इट वेल. अब हमें क्या करना है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस हम समझ रहे हैं यहाँ पर, तो हमें 2 स्पून ऑफ सॉल्ट लेना है, वाटर के अंदर डालना है, पानी के बीकर के अंदर डालना है. डू यू see any changes in the color of the water? Can you see any salt in the beaker? After stirring, heat the beaker containing the salt water. Let the water boil away. What is left in the beaker? अब देखिए, हमने पहले क्या किया, 2 स्पून ऑफ सॉल्ट को बीकर में डाला और उसको हमने देखा, उसको मिक्स किया और थोड़ी देर मिक्स करने के बाद हमने उस बीकर को वापस से बॉइल करना स्टार्ट किया. ठीक है, अब बॉइल करने के बाद क्या होगा, जब पानी उठ जाएगा तो वहाँ पर क्या रह जाएगा, हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा. इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वाटर को उड़ा रहे हैं वहाँ से. ठीक है, बॉइल कर रहे हैं वाटर को टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू
इट वेपर इज कॉल्ड द इवोपरेशन। अब जो प्रोसेस है वाटर का, वाटर वेपर में चेंज होना, राइट, वो भाप के रूप में जो उड़ रहा है उसको हम कहते हैं इवोपरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली वेर एवर वाटर इज प्रेजेंट, राइट। अगर वो हम सी वाटर के लिए भी बोलते हैं तो वहाँ पर भी इवोपरेशन होती है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम? सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट मिक्सड इन इट, वन ऑफ दिस सॉल्ट इन द कॉमन सॉल्ट। वेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शेलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न इन टू वाटर वेपर, राइट। अब हमने जो सी वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट होता है बहुत ज़्यादा। अब हम उसको पिट्स के अंदर डाल दें अगर सी वाटर को, तो थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ समय बाद हमें दिखाई देता है कि जो सनलाइट होती है बेसिकली वो वाटर सनलाइट पड़ती है उस पिट के ऊपर जिसके अंदर सी वाटर है, और वहाँ से सारा का सारा पानी उड़ जाता है इवोपरेशन के प्रोसेस से। द वाटर इवोपरेट कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट, और हमें क्या मिलता है वहाँ पर, सॉलिड सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। और जो कॉमन सॉल्ट जो हम खाने वाला सॉल्ट खाते हैं वो उसको कैसे मिलता है हमें, और उसका प्योरिफिकेशन करने के बाद, राइट। तो दिस इज द ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। इस तरीके से हमें सी का पानी, देखो इवोपरेशन के प्रोसेस से सारा पानी है जो सनलाइट के थ्रू, सनलाइट इस पे आ रही है, हीट आ रही है, तो यहाँ पर वाटर वेपराइजेशन हो रहा है और इवोपरेट हो रहा है। वाटर जो होती है वो वेपर में चेंज होती है और इवोपरेशन के प्रोसेस से सारा पानी उड़ जाता है और यहाँ पर हमें सॉलिड सॉल्ट के पार्टिकल्स मिलते हैं। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। वी हैव स्टडी सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशियंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। इन सच सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दिस मेथड। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि जब हम मिक्स सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एक ही प्रोसेस सफिशियंट हो, हमें बहुत सारे जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं वो अप्लाई करने पड़ सकते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, राइट। टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल वी सेपरेट दीज? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज, राइट। अगर हमने मिक्सचर लिया है सैंड और सॉल्ट का, तो हम उसको हैंड पिकिंग के थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर एंड एड सम वाटर टू इट, लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। डू यू सी द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम? द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन, राइट। तो अब क्या करेंगे, हमने पानी के अंदर सैंड और सॉल्ट दोनों डाल दिए। अब हमने उसमें से देखा है कि हमारी जो सैंड है वो सेटल डाउन हो गई है बॉटम में। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब हमने फिल्ट्रेशन किया या डिकंटेशन किया तो हमें सैंड अलग हो गई है और सॉल्ट वाटर अलग हो गया है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग? येस, उसके अंदर क्या होगा, सॉल्ट वाटर हो गया। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब डिकेंटेड जो लिक्विड हमें मिला है उसके अंदर क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर दोनों चीज़ है, क्योंकि सॉल्ट तो पानी में घुला रहता है, सॉलिड हमने सैंड जो होती है वो सॉलिड होती है वो अलग हो गई है। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू ए कैटल एंड क्लोज इट लिड, हीट द कैटल फॉर सम टाइम। अब हमें क्या करना है, वापस से इवोपरेशन का प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमने उसको बॉईल किया, नाउ स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द कैटल। अब हमने जब कैटल से गर्म करना शुरू किया है, बॉईल किया है, तो वहाँ से जो उसका स्पाउट होता है वहाँ से हमें स्टीम निकलती हुई दिखती है। टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट, होल्ड द प्लेट जस्ट अबाउ द स्पाउट ऑफ द कैटल एज शोन इन फिगर 5.13। वॉट डू यू ऑब्जर्व? लेट ऑल द वाटर इन द कैटल बॉइल्स ऑफ, ठीक है। अब सारा पानी आप उड़ने दो, ठीक है, बॉइल होने दो, निकलने दो। वेन द स्टीम कम इन कॉन्टैक्ट विद द प्लेट, मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस। अब मेटल प्लेट है जो आइस से कूल्ड हुई है, ठीक है, वो क्या है, ठंडी प्लेट है। इट कंडेंस एंड फॉर्म द लिक्विड वाटर। अब वो क्या करेगी, वो कंडेंस कर देगी वाटर को, जो भाप उड़ के आ रही है उसको कंडेंस फॉर्म में करके वापस लिक्विड फॉर्म, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर देगी। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। अब यहाँ पर कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है, राइट। यहाँ देखिए आप इस प्रोसेस में, ये देखिए यहाँ पर ये मेटालिक प्लेट है, यहाँ बॉईल किया हुआ है, इसमें सॉल्ट प्लस वाटर दोनों हैं और यहाँ पर बॉइलिंग भी हो रही है। यहाँ पर स्पाउट से क्या दिख रहा है, स्टीम आ रही है, और यहाँ पर आपकी मेटल प्लेट है जिसके ऊपर आइस है, ये ठंडी होके पानी आपका वापस कंडेंस होके किस में जा रहा है, बीकर में जा रहा है। तो ये क्या हो गया, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर हो गया, राइट। तो हमने वाटर अलग कर लिया है अब यहाँ से।
आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवोपरेटेड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल. तो ऑब्वियसली जब हमने सारा वाटर इवोपरेट कर दिया तो देर इज सॉल्ट प्रेजेंट इन इट. ठीक है, सॉल्ट रहेगा वहाँ पे, सेपरेटेड सॉल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ. तो यहाँ पर सॉल्ट रह गया है केटल के अंदर. ठीक है, तो हमने जो सॉल्ट और सैंड को किस तरीके से अलग किया है, देखिए सबसे पहले हमने डिकेंटेशन का प्रोसेस अप्लाई किया है जिससे हमारी सैंड अलग हुई है. फिर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किया है. ठीक है, उससे हमारा क्या आ गया, फिल्ट्रेशन में हमारे क्या क्या आ गया, सॉल्ट प्लस वाटर आ गया. फिर हमने इवोपरेशन किया है, इवोपरेशन के बाद हमने कंडेंसेशन किया है. राइट, तो हमारा वाटर कंडेंसेशन के थ्रू हमारा प्योर वाटर भी अलग हो गया है और इवोपरेशन के थ्रू हमारा सॉल्ट भी अलग हो गया. राइट, तो हमें बहुत सारे प्रोसेस यहाँ अप्लाई करने पड़े हैं फॉर सेपरेटिंग सैंड एंड सॉल्ट. नाउ नेक्स्ट इज कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस. राइट, अब हम इसे पढ़ेंगे कि जो वाटर होता है उसके अंदर हम कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं. राइट, वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर. हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर में डिजोल्व होते हैं उनको हम कहते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेज. राइट, वॉट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर क्वान्टिटी मोर ऑफ दी सब्सटेंस टू ए फिक्स क्वान्टिटी ऑफ वाटर. अगर हमने एक बीकर लिया है और उसके अंदर हमारा हाफ बीकर ऑफ वाटर है और हम उसमें एक स्पून पहले ऐड करेंगे सॉल्ट, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको कम्प्लीटली डिजोल्व करने के बाद हम देखेंगे कि वो क्लियर कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया है सॉल्ट. राइट, उसके बाद हम फिर से वी गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 tablespoon एट ए टाइम एंड स्टिर. आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिजोल्व एंड सेटल एट द बॉटम. अब एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उसमें बार बार सॉल्ट डाले जा रहे हैं. ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारा सॉल्ट उसमें घुलनशील नहीं रहता और कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट क्या होता है हमारा नीचे बॉटम में दिखाई सेटल हो जाता है. राइट, और वो हमें दिखता है. इफ यस दिस मीन दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन एंड द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड. अब हमारा जो सॉल्यूशन हो गया वो क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, संतृप्त हो गया है. अब उसमें हम अगर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हम सॉल्ट ही ऐड कर सकते हैं, अगर हम उसे ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो उसे डिजोल्व नहीं होगा. और उस टाइम पे वो जो कंडीशन है जहाँ पर हमारा और सॉल्ट ऐड नहीं हो रहा, हम कहेंगे कि नाउ द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड. राइट, तो हेयर इज अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स विद सैंड. Perhaps the quantity of salt was much more than the required to form a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. अच्छा, अब इसमें वही हमने जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने डिकेंटेशन प्रोसेस अप्लाई किया था प्लस हमने एवोपरेशन प्लस कंडेंसेशन, थ्री प्रोसेसेस वी हैव अप्लाइड फॉर सेपरेटिंग सॉल्ट एंड सैंड. राइट, विद द हेल्प ऑफ वाटर हमने ये सारी चीज़ें ली थी. और हमने अब उसमें ये था कि अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो हमारी सैंड हमने जो डिकंटेशन के थ्रू प्रोसेस के थ्रू सेपरेट की थी उस सैंड वाटर जो वाटर प्लस सैंड है उसी के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सॉल्ट भी सेपरेट हो जाएगा. राइट, सॉरी, सैंड हमारी बॉटम में बैठ जाएगी लेकिन हमारा जो सॉल्ट होगा वो सैंड के साथ नीचे बैठ जाएगा. राइट, तो हमारा जो सॉल्ट प्लस हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अगर हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट डाला है, ठीक है, क्योंकि वो क्या होगा, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट डालते हैं तो एक सेचुरेशन के बाद वो सॉल्ट क्या होता है, नीचे सेटल हो जाता है. तो इट विल ऑफ कोर्स इट विल सेटल विद द सैंड और वो पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाएगा. ना, अब एक्टिविटी 9 में ये बता रहे हैं कि हम टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर सॉल्ट. हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, हमने वहाँ तक सिचुएशन क्रिएट करनी है जहाँ तक कि वो सैचुरेटेड बन गया. ठीक है, दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. अब नाउ एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट. अब हम इसको हीट करते हैं तो हम क्या देखेंगे, हमने अगर थोड़ा सा और सॉल्ट डाल दिया तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होने के बाद भी क्या होगा कि वो डिजॉल्व हो जाएगा बिकॉज ऑफ हीटिंग. राइट, तो हमारा जो हीटिंग से हमारा मोर सॉल्ट डिजॉल्व हो जाता है. लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन. तो ऑफ कोर्स जब हम उसको ठंडा करते हैं दोबारा से
तो क्या होगा कि जो हमने हमारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन में जो हमने सॉल्ट डाला था, जो पहले हमें सेटल दिख रहा था बॉटम पे, वो वापस हमें कूल डाउन के बाद वापस से दिखने लगेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हीटिंग के थ्रू ही हम और सॉल्ट, इसमें लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर बाय हीटिंग प्रोसेस, राइट? डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस? लेट अस फाइंड आउट। टेक टू, अब ये बोल रहे हैं कि हम पता लगाते हैं चलो कि जो वाटर है हमारा उसमें इक्वल अमाउंट का लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबल सॉल्ट क्या डिजॉल्व होते हैं। तो हमें यही देखना है इसके अंदर। टेक टू ग्लासेस एंड पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम, ऐड ए टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू वन ग्लास एंड स्टिर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व, राइट? अब हमने सेम वही प्रोसीजर करना है। हमें क्या लेना है, बीकर लेना है, उसके अंदर हमने सॉल्ट डालना है, तो वो आपका डिजॉल्व हो जाता है। ऐड ए टी स्पून ऑफ सॉल्ट टू वन ग्लास एंड स्टिर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व। अब डिजॉल्व हो गया, गो ऑन एडिंग सॉल्ट वन टी स्पून एट ए टाइम टिल द सॉल्यूशन सेचुरेट। अब हमें सेचुरेट सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन करना है, तो हम तब तक डालते रहेंगे जब तक कि हमें सेचुरेटेड सॉल्यूशन ना मिल जाए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट द डिजॉल्व इन द वाटर इन टेबल 5.2, राइट? हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है कि कितने हमने सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड किया है, राइट? नाउ रिपीट द प्रोसेस एक्टिविटी विद द शुगर। रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर, व्हाट डू यू नोटिस? द टेबल पॉइंट। अब हमने सेम चीज किसके साथ करनी है, शुगर के साथ करनी है। शुगर को भी हमें टेबल वन टेबल स्पून देन टू टेबल स्पून उसको डिजोल्व कर करके बार बार हमें ऐड करना है। सो हमें इससे पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमें रिकॉर्ड करना है, यहाँ लिखा है सब्सटेंस नंबर ऑफ स्पून ऑफ सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन वाटर, ठीक है? कितना अमाउंट हमारा डिजॉल्व होता है वाटर में, दोनों का हमें पता लग जाएगा। वी ऑल्सो लर्न दैट ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड एज सॉल्यूशन इज सेट टू बी सैचुरेटेड इफ कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट, राइट? तो अब हमें ये भी पता लग गया कि अब एक पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है उसको सैचुरेट बनाने के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चाहिए, राइट? तो ये भी हमें समझ आ गया है। नाउ कम टू द ये कीवर्ड्स हैं। चर्निंग क्या होता है? चर्निंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप बटर को अलग करते हो फ्रॉम द मिल्क एज वेल एज फ्रॉम द कर्ड, राइट? कंडेंसेशन क्या होता है कि जब वेपर उड़ती है, वाटर वेपर बनती है, तो वापस वो ठंडी होकर नीचे गिरती है, तो उससे वापस वाटर बनता है। वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में आता है, उसी को हम कंडेंसेशन बोलते हैं, राइट? डिकेंटेशन भी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, सेपरेट करते हो मिक्सचर ऑफ इनविजिबल लिक्विड और अ लिक्विड एंड अ सॉलिड मिक्सचर, राइट? जैसे कि हमने सैंड को अलग किया था, किसे? सैंड डिजोल्व इन द वाटर एंड देन वी रिमूव द वाटर। तो हमारा नीचे का जो सेटल हो गया वो क्या हो गया, हमारा सैंड हो गया। यानी सैंड यानी सॉलिड और लिक्विड को हम डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही सेपरेट करते हैं। इवोपरेशन, इवोपरेशन क्या है, बेसिकली जब हम वाटर को बॉइल करते हैं तो वाटर वेपर्स उड़ती है, ठीक है? उसको हम कहते हैं इवोपरेशन प्रोसेस, वेपर बनना, राइट? नाउ फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन है किसी फिल्टर के थ्रू हम किसी चीज़ को छानते हैं तो उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं, राइट? हैंड पिकिंग क्या होती है, हैंड पिकिंग बेसिकली हैंड से ही हम पिक करते हैं इम्प्योरिटीज़ को, जो भी अनवांटेड चीज़ें होती है उनको हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम अवर यूजफुल सब्सटेंस। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जो एक एक बार सेचुरेटेड मतलब एक अमाउंट तक ही हम उसमें डिजॉल्व कर सकते हैं सब्सटेंस को वाटर में, और उसके बाद अगर हम वो डालते हैं सॉल्यूशन तो वो डिजॉल्व नहीं होता, तो वहाँ पर हम कहेंगे उस स्टेप पे कहेंगे दिस इज नाउ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन इज ऑल्सो ए प्रोसेस इन विच वी विल रिमूव जो हैवी पार्टिकल होते हैं उनको हम वाटर से सेपरेट कर लेते हैं। वाटर के अंदर अगर हम डालते हैं तो वो सारे पार्टिकल क्या होते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं ग्रेविटी के थ्रू, और हम वहाँ से सॉलिड पार्टिकल्स को हटा देते हैं, राइट? सीविंग भी, सीविंग यानी छानना। सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड मिक्सचर इन विच द माइनर कंपोनेंट यानी कि सॉल्यूट जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके अंदर, मेजर कंपोनेंट। जैसे कि आपका अगर मैं चीनी लेती हूँ तो चीनी का अगर चीनी को मैं वाटर में डालती हूँ, ठीक है, एक स्पून चीनी अगर वाटर में डालते हैं हम तो उसका चीनी का शुगर सॉल्यूशन हम बोलेंगे उसको, ठीक है? तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। थ्रेशिंग भी इट इज़ अ टेक्निक टू रिमूव जो हस्क है स्टॉक्स जो होते हैं और ग्रेन से रिमूव करने की प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। विनोइंग इज ऑल्सो ए प्रोसेस बाय विच हैवी हैवी जो जैसे कि हस्क है, राइट,
ग्रेन्स को हम हंस के अलग करते हैं थ्रू विंड। अगर विंड हम अप्लाई करते हैं या एयर ब्लो एयर करते हैं तो हमारा ग्रेन हंस से सेपरेट हो जाता है। राइट, नाउ कम टू द समरी। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर, जो कि हमने अभी अभी पढ़े हैं। ये सारे मेथड्स हैं। हस्क एंड स्टोन कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन बाय हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग से हम हस्क और स्टोन को रिमूव कर सकते हैं ग्रेन से। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग। हस्क को भी हम हस्क को हटा सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं हैवियर ग्रेन से थ्रू बाय ब्लोइंग द एयर और विंड। हम जो ब्लो करते हैं उसके थ्रू विनोइंग प्रोसेस से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल इन मिक्सचर इज यूटिलाइज टू सेपरेट दैम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। साइज और पार्टिकल का अगर डिफरेंस होता है, साइज पार्टिकल साइज का अगर डिफरेंस होगा, साइज अलग अलग होगा, तो उसको हम किससे सेपरेट कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। या तो हम छान सकते हैं फिल्टर के थ्रू या फिर चलनी के थ्रू। राइट, इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर द हैवियर एंड सैंड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन। राइट, तो यहाँ पर सैंड जो होती है नीचे बैठ जाती है और उसके डिकंटेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर को अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड। इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड को हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। और जैसे कि डस्ट है या सॉरी सॉइल पार्टिकल्स हैं, उनको वाटर से कैसे अलग करना है? फिल्ट्रेशन के थ्रू। इवोपरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। राइट, इवोपरेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड डिसॉल्वड इन अ लिक्विड। अब जैसे कि सी सॉल्ट, सॉल्ट को हम ओशन से यानी सी वाटर से कैसे सेपरेट करते हैं? इवोपरेशन के प्रोसेस से। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्वड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस तरह का सॉल्यूशन हो गया जिसके अंदर अब और ज्यादा सब्सटेंस हम ऐड नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते। मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। अगर हमें और ज्यादा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमें ऐड करना है सब्सटेंस, तो हम कैसे ऐड करेंगे? थ्रू हीटिंग प्रोसेस। वाटर डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट। राइट, वाटर कैन डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट। लाइक अगर हम वाटर में सॉल्ट डालेंगे तो ऐड सॉल्युबल सब्सटेंस हो गया वो सॉल्ट, एंड अगर शुगर डालते हैं तो वो भी इजीली डिसॉल्व जाता है। राइट, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, गिव टू एग्जाम्पल। देखिए, हम जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर रहे हैं तो बेसिकली क्यों करते हैं? जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं मिक्सचर के अंदर, तो हमें अगर हमें यूजफुल प्रोडक्ट चाहिए, हमें यूजफुल सब्सटेंस चाहिए, तो हम उसको सेपरेट करते हैं अनयूजफुल सब्सटेंस से। इसलिए फॉर एग्जांपल, एग्जांपल इन्होंने पूछे तो आप टी लीव्स का एग्जांपल दे सकते हो। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। चाय की पत्ती हम जब चाय छानते हैं, किसी छानते हैं चलनी से छानते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। एंड दूसरा इज रिमूवल ऑफ स्टोन पीसेस फ्रॉम व्हीट राइस और पल्सेस बाय हैंड। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि हम स्टोन के पीसेस को रिमूव कर सकते हैं किससे? हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू, व्हीट और राइस से। राइट, नाउ सेकंड इज व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज यूज्ड। अब देखिए, विनोइंग जो प्रोसेस होता है दैट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपाउंड ऑफ ए मिक्सचर फॉर एग्जाम्पल। और इसमें क्या यूज होता है? विनोइंग में विंड यूज होती है। ठीक है, ब्लोइंग एयर हम यूज कर सकते हैं और उससे क्या करते हैं, हस्क पार्टिकल जो होते हैं वो हल्के होते हैं, किसके ऊपर? ग्रेन पे लगे रहते हैं, वो वेरी लाइटर पार्टिकल एंड दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सीड बिकॉज सीड्स आर हैवी। तो अगर हम एयर ब्लो करेंगे एक साइड से और हम ऊपर से गिराएंगे तो हस्क उड़ के दूर हो जाएगा हवा के थ्रू, क्योंकि वो लाइटर होता है, बहुत ही लाइट पार्टिकल है, और जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो हैवी होते हैं, वो नीचे गिर के सेपरेट हो जाते हैं। राइट, नाउ हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन सैम्पल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। हम जब खाना बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो हम कैसे हस्क को रिमूव करते हैं? बाय हैंड पिकिंग मेथड। और डर्ट पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल या सैंड पार्टिकल होते हैं, वो कैसे? हम उसको वॉश करके रिमूव कर सकते हैं। वॉट इज सीविंग, वेयर इट इज यूज। सीविंग में बेसिकली क्या होता है कि जैसे फाइन सीविंग में फाइन जो पार्टिकल होते हैं, सीव आपने देखी होगी चलनी, हम क्या करते हैं जो
लाइट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो हम छान लेते हैं और ऊपर हमारे क्या रहते हैं, बिगर इम्प्योरिटीज लाइक सैंड स्टोन पेबल ये रह जाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने जब बजरी को छानते अगर देखा होगा रोड पे, तो वो सीविंग प्रोसेस के थ्रू जो पेबल और स्टोन्स हैं उनको अलग कर देते हैं। हमने कभी घर में आटा छानने वाली चलनी को देखा है, तो चलनी से हम क्या करते हैं कि जो बड़े पार्टिकल कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेज होते हैं, उनको हम अलग कर देते हैं और आटा हमारा छन जाता है थ्रू सीविंग प्रोसेस। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? अब देखो आपके पास क्या है, एक बीकर है, ऐसे समझिए एक बीकर है जिसके अंदर आपने वाटर डाला हुआ है और उसके अंदर सैंड भी है, ठीक है। अब उनको सेपरेट कैसे करोगे? तो पहले तो क्या करोगे, उसको अच्छे से घोलोगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर दोगे, उसको थोड़ी देर के लिए रख दोगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और जब वो रख दिया है, जब सेटल हो गई सैंड उसके अंदर, नीचे बॉटम में क्या होगा, वो सैंड सेटल हो जाएगी और ऊपर का जो हमने वाटर है, वो जो साफ वाटर है, वो किसी दूसरे कंटेनर में हम डिकंटेशन यानी कि उसको रिमूव करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वे में हम सैंड एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सर मिक्सचर विद व्हीट फ्लावर? इफ यस, हाउ विल यू डू इट? इसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या है, शुगर है और व्हीट फ्लावर बोला है। अगर दो तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, एक तो सीविंग से, आप सीव करोगे तो आटा आपका क्या है नीचे गिर जाएगा और ऊपर ऊपर छोड़े शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, वो तो सेपरेट हो जाते हैं, राइट। एक दूसरा तरीका ये है कि अगर शुगर और वाटर मिक्स है, वाटर के अंदर डाल दो उनको दोनों को, ठीक है। अब क्या होगा कि जो उसको अच्छे से घोल लो, अब उसके बाद क्या होगा, उसको थोड़ी देर के लिए विदाउट टचिंग उसको रख दो, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस उसको रख दो सॉल्यूशन को। अब उसके बाद क्या होगा कि जो आपका आटा जो होगा, व्हीट फ्लावर जो होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, और ऊपर आपका जो वाटर है, वाटर के अंदर क्या है, शुगर है, उसको आप डिकंटेशन प्रोसेस के थ्रू उस फिल्ट्रेट को निकाल सकते हो, जिसके वाटर के अंदर क्या रह गया, आपका शुगर रह गया, राइट। तो ये एक तरीका है कि फ्लावर नीचे बैठ सेटल डाउन हो जाएगा, वो आपका रिमूव हो जाएगा। लेकिन इससे बेटर जो प्रोसेस है वो ये है कि जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो बिगर होते हैं, इससे बिगर देन व्हीट फ्लावर, तो उसको हम सीविंग प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, राइट। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ ए मडी वाटर? अब मडी वाटर के लिए क्या है, जैसे मड होती है ना, अगर वाटर में डिजोल्व है, पहले उसको अच्छे से स्पून से आप डिजोल्व करिए, थोड़ी देर उसको रखिए 5 से 6 मिनट, वो मड जो होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और ऊपर से आप वाटर को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर लीजिए डिकंटेशन के थ्रू, ठीक है। अब उस वाटर में अगर थोड़ी बहुत भी इम्प्योरिटीज आपको दिख रही है, तो आप फिल्टर पेपर के थ्रू उसको और छान कर उसको रिमूव कर सकते हैं इम्प्योरिटीज को, राइट। फिल अप द ब्लैंक्स। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ ए पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग आएगा यहां पर आंसर में। नाउ व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑन टू ए पीस ऑफ क्लोथ, द क्रीम मलाई इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज ए एग्जाम्पल ऑफ। व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑन टू अ पीस ऑफ क्लोथ द क्रीम। अच्छा, इसमें क्या है कि मिल्क है, उसको बॉइलिंग के बाद उसको ठंडा किया है और उसको उसके पोर किया है, किस पे, पीस ऑफ क्लोथ के ऊपर, तो मलाई आपकी अलग रह जाती है। और द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। तो इसका आंसर होगा फिल्ट्रेशन, राइट। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, राइट। इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वॉज कैप्ट ओवर नाइट इन अ बकेट। द क्लियर वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड डिकेंटेशन, राइट। यहां पर आएगा डिकेंटेशन। ट्रू एंड फॉल्स। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। रॉन्ग है ये, फॉल्स आएगा यहाँ पर। अ मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। यहाँ पर भी फॉल्स आएगा। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। रॉन्ग है, ये भी फॉल्स है। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन। तो यहाँ पर ये भी फॉल्स है, राइट। तो यहाँ पर सारे फॉल्स हैं ये।
लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर. यू विश टू एड आइस टू कूल इट. शुड यू एड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर? इन दिस इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर? यहाँ पर बोल रहा है कि लेमनेड जो होता है बेसिकली किससे बनता है, लेमन जूस और शुगर इन वाटर. ठीक है, इसमें क्या क्या है, लेमन जूस एंड शुगर एंड वाटर. यू विश टू एड आइस टू कूल इट. ठीक है, अब शुड यू एड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर? तो बेसिकली आइस शुड बी एडेड टू लेमनेड आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, राइट? इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर? तो आइस से पहले ही हम क्या कर सकते हैं, मोर शुगर को ऐड कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया, इन विच केस वुड इट बी इम्पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर? यस, इट इज पॉसिबल टू ऐड मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, हमारे यहाँ क्वेश्चन सेशन भी खत्म हो गया है. नाउ वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर इन अवर नेक्स्ट क्लास. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड प्लीज इफ यू लाइक इट शेयर इट.